हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विनोद यादव, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विन केमिस्ट्री। देखिए, अगर जैसा आपने पिछला लेक्चर मेरे सुने होंगे, उसमें मैंने चार लेक्चर आपको दिए थे। उन चारों लेक्चर्स के अंदर मैंने नाइन्थ क्लास का जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमारा, क्या नाम है उसका, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसकी थ्योरी पूरी अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर दी है। ओके, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस चैप्टर के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने बेहद ज़रूरी है, चाहे आप नाइन्थ क्लास में हो, चाहे आप ट्वेल्थ क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, ओके, तो देखिए मैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो क्या है, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस तो टेक्स्ट के अंदर दिए हुए हैं, चैप्टर के अंदर ही बीच बीच में दे रखे हैं, और एक पूरी एक्सरसाइज दे रखी है विच हैज आई थिंक 15 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ओके, तो आई विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस इन वन लेक्चर। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे आपने बुक में देखे होंगे, ये पहला क्वेश्चन हमारा, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कुछ चीजें आपको दी हुई हैं, पूछ रहे हैं मैटर कौन कौन सा इनमें से। तो देखो, पहला है चेयर, चेयर तो मैटर है भाई, बिकॉज इट इज ए थिंग विच हैज मास, वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस इन द यूनिवर्स, तो ये तो मैटर में आएगा। तो जो मैटर है उन्हें मैं सर्कल कर देता हूं, तो चेयर मैटर है, बिल्कुल है, एयर मैटर है, बिल्कुल है, बेशक ये दिखाई नहीं देती है पर जब चलती है तो महसूस हो जाती है, जब आपसे टकराती है तो। लव मैटर नहीं है, लव क्या है, लव तो फीलिंग है, किसी से हम प्यार करते हैं किसी से नहीं करते हैं, ना तो इसकी कोई स्मेल होती है, ना ये कोई जगह घेरता है, ना कोई वजन होता है, इस वजह से स्मेल, ये लव हेट ये सब मैटर नहीं है, स्मेल मैटर है। क्यों? क्योंकि स्मेल किसकी है, स्मेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स है जो एयर में मिल चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं, इस वजह से स्मेल आती है हमारे को, इसलिए स्मेल को मैटर में डाल देंगे। ठीक है, हेट मैटर नहीं है, हेट भी तो फीलिंग ही है। आलमंड्स आर मैटर, थॉट भी मैटर नहीं है। ओके, कोल्ड भी मैटर नहीं है, कोल्ड माने ठंड लग रही है, अरे ठंड क्या लग रही है, ठंड तो टेम्परेचर है एक तरह से, तो ठंड ठंड है, हॉट है, ये मैटर में नहीं आएंगे आपके। हाँ, कोल्ड ड्रिंक एक मैटर है, क्योंकि उसको आप पी सकते हैं ना, तो कोई चीज है, एनीथिंग है कुछ ना कुछ। वो स्मेल ऑफ ए परफ्यूम भी मैटर में काउंट होगा, क्योंकि जब अगर स्मेल काउंट हो रही है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी काउंट होगा, क्योंकि ये स्मेल किसके पार्टिकल्स की है, परफ्यूम के पार्टिकल्स की है। तो ये सब थे जो कि मैटर में काउंट हो जाएंगे, जो सर्कल मैंने कर दिए हैं। आसान सा क्वेश्चन था अगर आपने चैप्टर ढंग से सुना होगा तो। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ही आस्किंग यू सम रीजन, यू टू गिव रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, वाई स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचिस यू सेवरल मीटर्स अवे एज कंपेयर टू स्मेल ऑफ कोल्ड फूड। सपोज करो आपकी मदर ने हलवा बनाया हुआ है, ठीक है, गाजर का हलवा बनाया हुआ है, एक गाजर का हलवा गर्म है, एक गाजर का हलवा ठंडा है। अब गर्म हलवे की तो स्मेल आपको दूर तक आ जाएगी, भले आप दूसरे कमरे में बैठे हो, ठंडे जो गाजर का हलवा था उसकी स्मेल, आप उसके नजदीक जाएंगे, उसमें बिल्कुल नाक को सेट कर देंगे तब उसकी स्मेल आपको आएगी। तो ये पूछ रहा है कि गरम खाने की स्मेल दूर तक क्यों आ जाती है, इसलिए आ जाती है क्योंकि देखिए गरम खाने के जो पार्टिकल्स हैं, गरम खाने के जो पार्टिकल्स हैं एयर में मिक्स हो गए तो वो डिफ्यूजन शो करेंगे, जब एयर मूव करेगी तो उस डिफ्यूजन की वजह से वो स्मेल आप तक पहुंच गई, बेशक आप कुछ दूर बैठे हो। तो मैंने वही लिखा है, इट इज डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन आता, इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड विच बिकम फास्टर एट हाई टेम्परेचर। अब गर्म खाना है तो टेम्परेचर तो हाई होगा ही ना उसका, इस वजह से आप तक पहुंच गई है। वाइल द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड इज नॉट फास्ट एज कंपेयर टू दिस हॉट फूड। तो आपसे इतना सा लिखा है जितना मैंने लिखा है, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड विच बिकम फास्टर एट हाई टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, किसी आदमी ने स्विमिंग पूल में जंप करी ऊपर से, तो ये ऑब्जर्व किया गया पानी को चीरता हुआ नीचे चला गया, वही तो कह रहा है डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। ओके,
विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहाँ पे मैटर का मतलब स्विमिंग पूल का पानी कह रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब स्विमिंग पूल का जो पानी है, मैटर तो है वो भी, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को समझा रहा है वो, या क्या ऑब्जर्व किया आपने जब उस आदमी ने पानी के सरफेस को काट दिया नीचे जाने के लिए। इससे यह सिद्ध हुआ जो पानी ऊपर से कंटिन्यूअस दिख रहा था वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, रेदर इट इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स हैविंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस था जिसकी वजह से डाइवर इज एबल टू कट दैट वाटर। तो ये यही मैंने लिखा हुआ, देखो इट शोज दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट हैज सम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज कुछ ऑब्जर्व की, हालांकि क्वेश्चन खत्म नहीं, और भी आगे क्वेश्चन आएगा भी आपको, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो थ्योरी में बताया थे मैंने आपको सब बातें, क्या पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम क्या बताया था मैंने, इंटर पार्टिकल स्पेस, क्या बताया था, इंटर पार्टिकल स्पेस, क्लियर। दूसरा देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, कुछ कम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, जो ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं वो कंडेंस स्टेट में आ जाते हैं, जो कम अट्रैक्शन शो करते हैं वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं, किस स्टेट में आते हैं, फ्री स्टेट में। तो इस अट्रैक्शन का नाम क्या बताया था मैंने, जैसे डिस्टेंस का बताया था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ऐसे इसका नाम मैंने आपको बताया था इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारे अट्रैक्ट तो रहते हैं, क्लियर होगी। लास्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑलवेज, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के मोशन हमेशा शो करेंगे। मैंने बताया था ना आपको क्या, कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे शो वाइब्रेटरी मोशन एट देयर ओन प्लेस, और लिक्विड शोज डिफ्यूजन, बह सकते हैं, जा सकते हैं, और जो गैसेस होते हैं दे शो फास्टर डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कौन शो करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द स्पेस दे गॉट, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, ये सारे क्वेश्चन मैं इंटेक्स्ट करवा रहा हूं, अभी कौन से करा रहा हूं, फिलहाल जो चल रहे हैं इंटेक्स्ट है, ये सब बुक के बीच में रखे, टेक्स्ट के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको उसका रीजन समझाना है, 4 की 5 स्टेटमेंट है आपके सामने। पहले स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट, कह रहा जिस वेसल में हम गैस को रखते हैं उस गैस क्या करती है, पूरी वेसल की पूरी वॉल्यूम को घेर के रखती है। रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या, कि भाई बिकॉज गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना शेप फिक्स होती है, क्यों, बिकॉज क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर फ्री टू मूव एनी वेयर द स्पेस दे गॉट। इस वजह से जितना बड़ा वेसल होगा, जितनी वॉल्यूम की वेसल होगी, उसकी सारी की सारी वॉल्यूम को घेरने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं लिखा देखो, बिकॉज गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इतना सा आपको लिख के आना, स्टेट टू द पॉइंट रहना आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट, ऐसा क्यों होता है। देखो, अब जब आपने ऊपर कहा कि उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, तो आप फ्री टू मूव तो है पर कहां है, केवल वेसल के अंदर ही है, वेसल के बाहर जाना चाहते हैं तो जाके किसको टक्कर मारेंगे, वेसल की दीवारों पे टक्कर मारेंगे। जब कोई चीज की दूसरी चीज को टक्कर मारती है, तो देखो जैसे ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, वाल है, ये गैस का मॉलिक्यूल हिलते हिलते आया टक्कर मारी, तो देखो ये पीछे चला गया, क्यों, इसने प्रेशर डाला इसके ऊपर, क्या डाला, प्रेशर डाला। तो देखो, इट इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है फ्री होती है, वो फ्री मूवमेंट की वजह से वो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटेनर की जो वॉल्स है उनको टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
ओके अब इसके बाद और भी रीजनिंग्स है आपका। नेक्स्ट जो रीजनिंग देना आपने, उसमें पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि कोई वुडन टेबल जो होता है सॉलिड क्यों कहते हैं। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। सीधी सी बात है भाई, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आपको टेबल में दिखाई दे जाएंगी। जैसे मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज इट हैज ए फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट बाउंड्री, ऑल्सो इट इज रिजिड एंड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। आगे बात समझ में, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड बाउंड्री, रिजिड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये सारी सॉलिड की तो प्रॉपर्टीज हैं, इसी वजह से हम लोग टेबल को वुडन टेबल हो आयरन टेबल हो उसे हम सॉलिड कह देते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर है अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज आस्किंग यू वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर। हम हवा में तो हाथ फहरा सकते हैं, देखो जा रहा आराम से, मेरा हाथ देख लीजिए आप, आराम से जा रहे ना, और एयर भी क्या है, मैटर है, इस मैटर को तो मेरा हाथ चीर रहा है। लेकिन यही काम आप किसी सॉलिड वुडन ब्लॉक में करोगे तो आपको कोई कराटे एक्सपर्ट चाहिएगा। हर आदमी नहीं उसको तोड़ सकता है, उसको पार नहीं कर सकता हाथ को, लेकिन कराटे वाला तो तोड़ देगा, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि हर आदमी का हाथ एयर में तो मूव कर जाता है, लेकिन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड जो होता है, लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, उसको उसमें आर पार नहीं जाएगा। जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड वुड का है, मेरा हाथ हवा में तो जा रहा है देखो, पर यहां आगे रुक गया, और देखो अब एयर में, देखो यहां पे हाथ घूम रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूम रहा है, एयर को काटता हुआ घूम रही है, उंगली दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इसी काम को अगर मैं स्प्रे करूंगा तो एयर में तो जा रहा है, पर जहां सॉलिड आया रुक गया। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मेरा हाथ आराम से चला गया। लेकिन ये जो लकड़ी का बोर्ड है या लकड़ी का कोई ब्लॉक है, इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जीरो होता है, जिसकी वजह से मेरा हाथ आर पार नहीं जा सकता है किसी भी सॉलिड में से। तो वही मैंने लिखा, देखो, देयर इज ए लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन द एयर बट द सेम इज नॉट ट्रू फॉर ए वुडन ब्लॉक। इतना सा आंसर आपको लिख के आना सिर्फ। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। यहां पे उसने आपको ना कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे एयर है, चिमनी के एग्जॉस्ट है, हनी है, वाटर है, चौक है, कॉटन है, आयरन है। इनको आपने इनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये मान के चलेगा इनका मास सेम रखा उसने, क्या सेम रखा, मास। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा मास आप सेम मान के चले इन सबका, लेकिन वॉल्यूम तो अलग अलग होगी ना, क्यों अलग अलग होगी, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब जिसकी वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी का आंसर उतना कम आएगा। तो देखो यहां पे एयर की वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी सबसे कम रखी गई है, क्लियर होगी बात आपको। उसके बाद जो चिमनी में से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसकी वॉल्यूम इसके मुकाबले थोड़ी कम है, जिसके बाद उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी एयर के मुकाबले। फिर आया आपका कॉटन। अब कॉटन है तो सॉलिड, पानी है तो लिक्विड, लेकिन कॉटन के अंदर भी तो एयर प्रेजेंट होती है, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फूला फूला सा नजर आता है। तो आप कह सकते हो कि सेम मास ऑफ वाटर के मुकाबले कॉटन का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है इससे कम है। बात आई समझ में आपको? लेकिन इसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले इसकी जो वॉल्यूम है वो कम थी, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है, क्लियर। चौक को भी अंदर से देखना, होल्स होते हैं उसमें एयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम ज्यादा मानेंगे, उस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई है पानी के मुकाबले। हनी गाढ़ा होता है, काफी गाढ़ा होता है ना, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है। आयरन का मास बराबर है, पर सेम मास आयरन की वॉल्यूम सबसे कम है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, बीच में आप देखना इन चीजों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल,
सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो डिफरेंस आपको ऐसे लिख के आ रहा है, प्रॉपर्टी एक तरफ लिखना, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको तीनों में डिफरेंस आपको बताने होते हैं। मैं थ्योरी में बता चुका हूं आपको, वैसे तो पहले मैंने इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स उनको रखते हुए डिफरेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी जो मैंने ली है वो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं नजदीक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, तीनों के अंदर सबसे ज्यादा इसमें होता है हाईएस्ट, इसलिए मैंने हाईएस्ट लिख दिया। लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया आपने, ये हाईएस्ट इसी के लिए है, ठीक है। अब लिक्विड की जहां तक बात है, लिक्विड्स के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर देन सॉलिड्स, सॉलिड के मुकाबले लो होता है, ठीक है, लेकिन गैसेस के मुकाबले हायर होता है। क्लियर होगी बात आपको। और जहां तक गैस की बात है, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसकी वजह से दे आर फ्री टू मूव एनी वेयर इन द स्पेस अवेलेबल टू देम। ये पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको इंटर पार्टिकल फोर्स का, ठीक है जी। अगला है रिजिडिटी, कठोरता, कठोर कौन होता है इन तीनों में, सॉलिड सबसे ज्यादा कठोर होता है, इस वजह से मैंने सॉलिड के नीचे रिजिड लिख दिया कि वो रिजिड होते हैं। क्लियर, ये दोनों फ्लूइड्स होते हैं, बह सकते हैं। ये फर्क है, लिक्विड एक ही डायरेक्शन में बहेगा, ऊपर से नीचे, डाउन ए हिल, डाउन ए टॉप, गैस कहीं भी जा सकती है, दे आर वेरी फ्री टू मूव एनी वेयर इन द स्पेस दे गॉट। अगला पॉइंट जो मैंने लिया है वो लिया है इनकी शेप और वॉल्यूम से, शेप और वॉल्यूम किसकी कैसी कैसी है। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है, वॉल्यूम होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, डेफिनेट मीन्स फिक्स, दे आर फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स का क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। क्यों? बिकॉज लिक्विड्स हैव ए टेंडेंसी टू अटेन द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, जिस भी कंटेनर में आप उसको रखना चाहते हैं वो उसकी शेप अक्वायर कर लेंगे, इस वजह से उनकी शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम जरूर फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए मैंने लेक्चर में बताया था आपके पास 1 लीटर मिल्क है। अब 1 लीटर मिल्क को आप चाहे इतने बड़े ग्लास में रखें या बड़े कंटेनर में रखें, शेप कुछ भी हो उसकी शेप आपको आ जाएगी। ये तो चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं छोटी क्लासों में। क्लियर हो गया। और गैसेस की ना तो शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्लूइड था इसलिए शेप नहीं, जैसे लिक्विड नहीं थी। वॉल्यूम क्यों नहीं होती है, क्योंकि जितने भी बड़े बर्तन में रखो और बड़े बर्तन में रखो और छोटे बर्तन में रखो, पूरी वॉल्यूम को घेर के रखेंगे, इस वजह से ना तो उनकी कोई वॉल्यूम होती है और ना उनकी कोई शेप होती है। सिंपल सा डिफरेंस है बिल्कुल, ओके। और इन तीनों की डेफिनेशन भी यहीं से निकल के आ रही है, डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे। अब डेंसिटी की बात जहां तक आती है, तो डेंसिटी को जब भी हम मेजर करेंगे ना, तीनों का मास सेम रख लेना आप, तीनों का मास सेम रख लेना। अब मास सेम रखोगे तो फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, मास सेम है लेकिन यहां पे सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम सबसे कम हो गई है। अब मास है, सपोज करो, देखो दोबारा कर देता हूं, मास तीनों का 1-1 ग्राम मैंने रखा, 1 ग्राम सॉलिड है, 1 ग्राम लिक्विड है, 1 ग्राम गैस है। अब जहां तक वॉल्यूम की बात है, सबसे कम वॉल्यूम किसकी है आपकी, सबसे कम वॉल्यूम आपकी ये इसकी सॉलिड की, तो उसकी वॉल्यूम मैंने 1 मिलीलीटर रख दी है। उससे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, लिक्विड की है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब रख लेते हैं, सबसे कम वॉल्यूम वो घेरेगा, ये उससे ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा 1 ग्राम लिक्विड, ये सबसे ज्यादा घेरेगा। आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉलिड का तो सॉल्यूशन आ रहा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आ रहा है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी कम आएगा, 0.25 कुछ आ रहा होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये तो ऐसी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया समझाने के लिए कि गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है सेम मास के लिए, तो मैंने यही लिखा हुआ है, सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट है। चीज एग्जांपल में आप चेक कर लीजिए, 1 आ रही है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, लोअर देन सॉलिड्स बट हायर देन गैसेस। इस वैल्यू को देखिए आप, ये वैल्यू इसके मुकाबले तो कम ही है पर इसके मुकाबले ज्यादा है, तो मैंने वही लिखा हुआ है, दे हैव डेंसिटी लोअर देन सॉलिड्स बट हायर देन गैसेस, और गैसेस की डेंसिटी कैसी, सबसे कम, लोवेस्ट,
तो देखो वैल्यू 0.2 कुछ आया, मैंने जैसे वैल्यू हिसाब से पुट किया था उसके हिसाब से, ठीक है। और आखिरी जो प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से इनका डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब किसी मैटर के पार्टिकल ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरह मूवमेंट शो करेंगे एयर में मिक्स होके, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन सबसे कम शो करेंगे आपके सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे नहीं, पूरे सॉलिड को एक साथ लेके चलना चाहते हैं वो। अब जो लिक्विड होते हैं दे हैव सम टेंडेंसी टू डिफ्यूज, लेकिन स्लो करते हैं, किसके मुकाबले? गैस के मुकाबले। लेकिन जो गैसेस होती है दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली। तो कुछ इंपॉर्टेंट से डिफरेंस थे जो आपको नाइन्थ क्लास के अंदर आने चाहिए इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। हालांकि 9-10 डिफरेंस मैंने आपको थ्योरी में बताए थे जो आपके टीचर ने भी शायद लिखवाए होंगे आपको, आपको सब आने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, या तो सिंपल क्वेश्चन दे देगा जैसे ये लिखा है कि यू हैव टू टैबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कई टीचर क्या करते हैं प्रॉपर्टी का नाम देंगे आपको 3 या 4, उसके हिसाब से डिफरेंस पूछेंगे फिर आपको, इसलिए आपको 9 या 10 डिफरेंसेस आने चाहिए बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लिक्विड्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उनकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले, लेकिन आपने देखा होगा जब पानी में आइस डालते हैं, आइस जो एक सॉलिड है वो तो तैरती है, जबकि उसकी वो तो सॉलिड था, डेंसिटी ज्यादा है तो उसको डूब जाना चाहिए, तो आइस तैरती क्यों है? उसको आप ऐसे समझा गया, इतना समझाना बस। ये कह रहा है सॉलिड वाटर जो कि आइस है, सॉलिड वाटर आइस के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे आपको दिखाए गए। देखो ये पानी का मॉलिक्यूल है HOH, 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 क्या देख रहा आप? एक पानी के O के साथ दूसरे पानी का H को मैंने डॉट से दिखाया। ये डॉट्स क्या है? दिस डॉट्स आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस आ जाता है, उस वैकेंट स्पेस में एयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बर्फ को ऊपर तैराने में। इस तरह का आंसर आपको देके आना है बस, क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत आसान है, यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल। आसान है, देखो केल्विन से सेल्सियस बनाना आपने, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? ये लगाएंगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, दोनों नंबर में ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब पहला जो सवाल है उसमें 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना है, तो केल्विन नीचे लिखोगे 300, ये आपको बनाना है 273। कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 273। हाउ मच यू गॉट? यू गेट 27 डिग्री सेल्सियस। आसान है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वहां पे आपको क्या करना है 573 केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो इस बार 300 की जगह क्या लिखना आपको? 573। अब डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 573 माइनस में 273। हाउ मच यू गॉट? यू गॉट 300 डिग्री सेल्सियस। कितना बनेगा? 300 डिग्री सेल्सियस। नाइन्थ क्लास में यही आने वाले हैं, क्लियर होगी बात आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, ही सेइंग यू व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हालांकि एनसीईआरटी वाले ने 2 ही टेम्परेचर दिए थे, मैंने एक और ऐड कर दिया आपके लिए, ठीक है। चेक करते हैं क्या आता आपको। देखो जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इसको हम मानते हैं रूम टेम्परेचर। क्या मानते हैं? रूम टेम्परेचर, जो आपके घर पे सर्दी का हो चाहे गर्मी का, उसको रूम टेम्परेचर माना गया 25 डिग्री सेल्सियस को। तो घर में जो पानी होता है किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी आपको दिखाई देता है उसकी स्टेट तो पूछ रहा है। इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। 100 डिग्री के ऊपर जाने के बाद पानी बॉइलिंग शुरू हो जाती है, पानी की बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो बॉइलिंग में पानी किस फॉर्म में निकलता है? वेपर की स्टेट में निकलता है। तो यहां लिखोगे इन द वेपर स्टेट, इन द वेपर स्टेट। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है। अच्छा एक बात और देखो, 100 डिग्री सेल्सियस के पहले इसी को समझो, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो बॉइलिंग शुरू हो रही है,
सारा पानी वेपर स्टेट में नहीं मिलेगा आपको, वहां पे बॉइलिंग शुरू हो रही का मतलब है कि वेपर स्टेट भी है और एंड लिक्विड स्टेट दोनों है आपकी, ये तो बताना आपको मेन। 100 डिग्री के ऊपर वेपर स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। अब 0 डिग्री की बात अगर करते हैं तो 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, पानी की बर्फ बननी शुरू होती है, पानी की बर्फ बननी शुरू होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। और दूसरी बात बता देता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना केवल लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है बल्कि सॉलिड लिक्विड में बदलना भी शुरू होता है। इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों स्टेट आपको मिलेंगी, लिक्विड स्टेट भी मिलेंगी और सॉलिड स्टेट भी मिलेंगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज सेइंग, ये कह रहा है जब फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए जब उसका फिजिकल स्टेट को बदलते वो बात कुछ करेगा इसमें। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। वो कह रहा है किसी सब्सटेंस की जब स्टेट बदलती है, आज जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाया था ड्यूरिंग द फिजिकल स्टेट चेंज, तो वहां पे आपने कई बार देखा था जब आपका बर्फ से पानी बन रहा था तो 0 डिग्री के ऊपर आकर के स्टॉप हो गया था मरकरी लेवल, पानी बन गया हीट किया था, फिर कहा स्टॉप हुआ था 100 डिग्री के ऊपर आकर हीट हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के मरकरी का लेवल रुक गया था जब तक ये सारा का सारा पानी वेपराइज नहीं हो गया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसी मैटर की स्टेट बदलती है, जब बदलाव शुरू होता है, आप हीट तो दे रहे इन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता, कॉन्स्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस काम आते हैं, देखो, बिकॉज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द चेंज इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो हीट काम आती है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ने के काम आती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, हीट जो मॉलिक्यूल टूट चुके हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर चली जाती है। वह मैंने आगे लिखा है एंड हीट इज हिडन इनटू द चेंज्ड पार्टिकल्स, और इसी वजह से हीट का नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है, लेटेंट हीट, लेटेंट माने हिडन, छिपी हुई हीट, जैसे आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कुछ याद आया आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब आई थी, जब हमारा आइस से पानी बनना शुरू हुआ था, उस दौरान जब हीट दे रहे थे वो पानी के मॉलिक्यूल्स में जाके छिप रही थी, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा मानी गई है एज कम्पेयर टू आइस के मॉलिक्यूल्स। और जब आप पानी वेपराइज होना, जब पानी आपका बॉयल होना शुरू हो गया तो 100 डिग्री पे जाके फिर रुक गया, उसके बाद भी आप हीट कर रहे हैं तो हीट कहां जा रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में जा रही है, वेपर्स में जा रही है, सॉरी वेपर्स में, तो वेपर्स की हीट एनर्जी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पानी के मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वो मैंने इसमें लिखा है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं तब आपके इंटरेस्ट खत्म होंगे। ठीक है जी, आपका अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसको मैंने तीसरे लेक्चर में बताया था कि जब गैस के ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, और फाइनल जो डायग्राम था अगर आपको याद हो वहां पर मैंने कहा था गैस के लिक्विड बन गए, तो आपके मेथड का नाम नाम बताना है। तो वही मैंने लिखा है, सिंपल आप लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर गैस। गैस के ऊपर आप प्रेशर लगा दीजिए जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स हैं या कह दो मॉलिक्यूल्स हैं वो नजदीक आ जाएंगे, और जब गैस के पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे तो अगली स्टेट कौन सी बनेगी, लिक्विड ही तो बनेगी आपकी, ये तो पूछा था उसने। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े आसान से क्वेश्चंस है, आप सराउंडिंग्स में देखते हुए इन क्वेश्चंस को देखो, आपके आसपास ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस है। देखो, सबके घर में डेजर्ट कूलर होता है, वो हॉट ड्राई डे वाले बहुत ठंडी हवा देता है अगर उसमें पानी चल रहा हो तो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। समझेगा आराम से, देखो, होने हॉट ड्राई डे द एयर सराउंडिंग द कूलर हैज ऑलमोस्ट नो ह्यूमिडिटी। जिस दिन बहुत गर्मी होती है, सूखी गर्मी जिसको कहते हैं हम, सूखी गर्मी वाले दिन क्या होता है, कूलर के सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कोई ह्यूमिडिटी आपको नहीं मिलेगी, और कूलर जब चलता है तो कूलर की जो जालियां होती हैं उनमें पानी गिरता है, जालियां सर्विस एरिया जा नीचे तो टंकी होती है पानी की, वो ठीक टॉप टाइप मोटर पानी के ऊपर जालियों पर फेंकती है,
पानी जाली के थ्रू नीचे आता है, घास में से निपटता हुआ आता है, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बाहर गर्म मौसम है, उससे क्या होगा, वो पानी एवोपरेट होगा। पानी क्या होगा, एवोपरेट होगा। एवोपरेट होने के लिए क्या कर रहा है, जाली के आसपास की जो हवा है उसमें जो हीट है उसका इस्तेमाल कर रहा है। उससे क्या होगा, आसपास की हवा ठंडी हो गई। तो जब आसपास की हवा ठंडी हो गई है तो कूलर ठंडी हवा तो देगा, ये मैंने हिंदी में बताया। अब देखो उसका आंसर, देखो क्या लिखना आपने, ऑन ए हॉट ड्राई डे द एयर सराउंडिंग द कूलर हैज ऑलमोस्ट नो ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी मोर इज द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ द वाटर ऑफ द कूलर ऑफ द सीव, मतलब कूलर की सीव में से जो सीव माने जाली, सीव में से जो पानी आ रहा है उसका एवेपोरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है बाहर। सो उससे क्या होगा, एयर सराउंडिंग द कूलर बिकम्स कूल, कूलर के सराउंडिंग की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। एज एज द कूलर विल गिव कूल एयर और ए हॉट सनी डे, आसान सा सवाल है। ये सब चीजें आपने ऑब्जर्व कर रखी हैं, गर्मियों में सबके घर में कूलर तो होता ही होता आजकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी गर्मी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पहले हिंदी बता देता हूं, मटका, मिट्टी का मटका गर्मी में ठंडा पानी क्यों रखता अपने अंदर। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। देखो मटके की दीवारों को ध्यान से देखना, मिट्टी से क्योंकि बनते हैं तो दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों में से पानी बाहर भी आएगा थोड़ा 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 करके। अब मटके का एरिया ज्यादा है तो बाहर आने के बाद पानी का क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब बाहर है गर्मी तो उस गर्मी का इस्तेमाल करेगा वो पानी क्या करने के लिए, अपने आप को ऑपरेट करने के लिए। तो आसपास की एयर की हीट उसने यूज कर ली है तो एयर होगी ठंडी, वो पानी को भी क्या कर देगी, ठंडा। इस वजह से मटके का पानी गर्मी में ठंडा रहता है। सिंपल सा आंसर है, देखो वही मैंने लिखा। देखो क्वेश्चन ये है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट माने मिट्टी का मटका, बिकम कूल इन समर। आंसर देखिए, वाटर फ्रॉम अर्थन पॉट कंटिन्यूज टू एवेपोरेट, अर्थन पॉट का पानी हमेशा एवेपोरेट होता रहता है। किसके थ्रू, थ्रू फाइन, जब वो पानी बाहर आता है किसके थ्रू, थ्रू फाइन होल्स ड्यूरिंग द समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। एवेपोरेशन होने के लिए, फॉर एवेपोरेशन द वाटर इज यूजिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, मटके के सराउंडिंग में जो एयर है उसकी हीट का इस्तेमाल करता है। तो जब एयर की हीट पानी ने यूज कर लिया, हीट खत्म, उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द सराउंडेड एयर बिकम कूल विच मेक्स द वाटर कूल इन दैट अर्थन पॉट। सिंपल सिंपल थे, दो आंसर थे, दो ऑब्जर्वेशन आप सबने अपने घरों में देखी होंगी। ओके अभी दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर हमारा इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर के खत्म हमारे हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम ऑन इट। आसान है, देखो ये जो तीन चीजें बताई हैं ये आराम से ऑपरेट हो जाती है। आप इनको पाम पे रख रहे हैं तो पाम के हीट को यूज करेगी, जब पाम की हीट की यूज हो गई तो पाम ठंडी महसूस होगी आपकी। ये मैंने आंसर में लिखा है, देखो दीज लिक्विड्स गेट एवेपोरेटेड बाय यूजिंग हीट ऑफ आवर पाम, एज ए रिजल्ट पाम फील कोल्ड। ये तो पूछा था उसने आपसे, एवेपोरेशन होने के लिए लोग यूज करेंगे पाम की हीट को, इसी वजह से पाम ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और हॉट मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप, कप के मुकाबले सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और ये जो हॉट मिल्क है हॉट टी है इसमें पानी या गर्म वो एवेपोरेट फास्ट होगा ज्यादा सरफेस एरिया से, तो ठंडा जल्दी हो जाएगा, इस वजह से सॉसर से जल्दी पी जाएगा एज कंपेयर टू ए कप। वो मैंने लिखा है, देखो आंसर, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द सॉसर द हॉट मिल्क ऑब्लिक टी ऑल्सो हैव ए लार्ज सर्फेस एरिया, एज ए रिजल्ट दे विल एवेपोरेट फास्टर एंड एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो कूल हो जाएंगे ना वो ठंडे दूध या सॉरी गर्म दूध या गर्म चाय उनको आराम से पी सकते हैं, ठीक है। और आपका आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेस्ट वाला, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ। अब ये इसका आंसर तो क्या, कॉटन क्लोथ ही है, और मान लो इसमें वाई और लिख देता आपको, क्यों, उसका रीजन मैंने लिख दिया आपको, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं दे आर द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वाटर कहां से है, स्वीट से आ रहा है, परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ वाटर ऑफ स्वीट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कपड़े क्या करते हैं, स्वीट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं,
और स्वीट में पानी तो होता ही है, समझे। इट यूजेस, और वो पानी क्या करता है, बॉडी की हीट को यूज करता है एवोपरेशन होने के लिए। एवोपरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। सो वी गेट ए कूल फील। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द इन टेक्स्ट इन योर बुक। दीज आर सम एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन। आज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज आधे घंटे से ज्यादा का लेक्चर आपका हो गया। आप पहले इन 15 क्वेश्चन को सुने, पढ़े, याद करें, फिर अगला लेक्चर जो कल होगा उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल विन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।